हेलो दोस्तों, स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिमा दास की। हिमा दास ने IAAF विश अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और 18 साल की इस लड़की ने पीटी उषा और मिल्खा सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमा दास ने फिनलैंड के टेम्पेयर शहर में आयोजित IAAF विश अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और इस दौड़ को पूरा करने में उन्होंने 51.46 सेकंड लगे हैं। दोस्तों, हिमा की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। हिमा विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इससे पहले भारत के किसी महिला या पुरुष खिलाड़ी ने जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। और तो और, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी ये कमाल नहीं कर पाए थे। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पर भारत की ये ऐतिहासिक जीत है। हिमा ने सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सेमीफाइनल में 52.10 सेकेंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया था। आइए जानते हैं हिमा दास के बारे में। आखिर कौन है हिमा दास? हिमा दास असम के नगाँव जिले के धींग गांव की रहने वाली है। वह अभी सिर्फ 18 साल की है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती है। उनके पिता चावल की खेती करते हैं। वह परिवार के 6 बच्चों में सबसे छोटी है। हिमा पहले लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी और एक स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उन्होंने 2 साल पहले रेसिंग ट्रैक पर कदम रखा था। उनके पास पैसों की कमी थी, लेकिन कोच ने उन्हें ट्रेन कर मुकाम हासिल करने में मदद की। हिमा के कोच निपोन दास का कहना है, एथलीट बनने के लिए हिमा को अपने परिवार को छोड़कर लगभग 140 किलोमीटर दूर आकर रहना पड़ा था। आपको बता दें कि अप्रैल में गोल्ड कोस्ट में खेले गए कॉमनवेल्थ खेलों में 400 मीटर की स्पर्धा में हिमा दास ने 6ठा स्थान हासिल किया था। 400 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए उन्होंने 51.32 सेकेंड लगे थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।